ओके जी। हाँ जी, कौन कौन लोग हमारे साथ हैं जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। सिस्टर नबीला, सिस्टर सहरिश, ब्रदर हमज़ा, ब्रदर अनीस अवैस, अजहर, बरीका और बरीज़ा और बरीज़े। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज़ फ्रॉम इंडिया, कैसे हैं? सिस्टर इफ़रा सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन किया। आई थिंक सिस्टर इफ़रा सिद्दीकी इज़ फ्रॉम द डेज ऑफ माई बेटर वर्जन। आप लोग कौन कौन से हैं जिन्होंने माई बेटर वर्जन भी अटेंड किया था? जिन जिन ने आप में से माई बेटर वर्जन रमज़ान की सीरीज़ भी अटेंड की थी, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू रेज़ योर हैंड इंशाल्लाह ताला, ताकि मुझे वेटरन्स का पता चलता जाए इंशाल्लाह कि आप लोग में से कौन कौन वेटरन्स हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रॉम मोमिन हमीद कह रहे हैं फ्रॉम स्पेन। अलिया कमर कह रही हैं कि फ्रॉम शाहीन बाग। शाहीन बाग किधर है जी, किस शहर में है? रॉयल गेमर इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। अजहर ठाकुर इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। क्या बात है, इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस बट इट्स यू नो फील्स गुड टू प्रोनाउंस। महाराष्ट्र, 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 माशाल्लाह। ओके, दानियाल इज़ फ्रॉम यूएई। सीरत फ्रॉम कश्मीर। व्हाट अ सुपर्ब वॉइस, जज़ाकअल्लाह खैर, बारक रफ़ीक, दुआ दे दें। आज हम इसी बारे में इंशाल्लाह पढ़ने लगे हैं। वालेकुम सलाम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। आप मदीना में हैं, आप हमारे हबीब, हमारे रसूल की सिटी में से हैं। जब भी आप मस्जिद नबी जाएँ नमाज के बाद, हम सब के लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को एक दफ़ा फिर मक्का और मदीना लेके आए और एक दफ़ा दोबारा उम्र या हज की तौफीक दें। जज़ाकअल्लाह खैर। सईद सलीम अनवर फ्रॉम बहरीन। दानियाल जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर महवेश खान इज़ फ्रॉम कराची। अच्छा जी, मैं कुछ और भी कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। सलाम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। सलाम, कीप इट अप तो। हाँ भाई, ओके, जज़ाकअल्लाह खैर। आज का जो टॉपिक है जी, आज का टॉपिक है ईविल आई के ऊपर, नज़रे बद के ऊपर, और इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश, अल्लाह अकबर, ये कौन मध्य प्रदेश है? बड़े प्यारे नाम है। चलें, ये दिल्ली से हैं। दिल्ली इज़ ईजी टू प्रोनाउंस। फ्रॉम बांग्लादेश, माशाल्लाह, वेरी नाइस। बी इंस्पायर्ड इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश। अच्छा, द डैम, अल्लाह, द डैम इज़ फ्रॉम इंडिया, झारखंड। सलाम अलैकुम फ्रॉम पटना। ये आई थिंक सारे इंडियन मेरे भाई और बहन हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रॉम रियाद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई हैव एग्ज़ाम्स दिस ईयर, ऑल्सो लॉट ऑफ लव फ्रॉम यूएई। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सलाम फ्रॉम इंडिया। मोहित अहमद इज़ फ्रॉम पेशावर। जज़ाकुल्लाह खैर एवरी वन फॉर कमिंग एंड फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान व तआला इस सेशन को हमारे लिए बहुत बाबरकत बनाए और हमें बहुत कुछ सीखने की तौफीक दे इस सेशन से। तो शुरू करते हैं जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्थिही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिल बातिल वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना व 'अल्लिमना मा यन्फ़उना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे गांव से भी एक कमेंट पढ़ लेता हूँ। नोमी सर्वर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम डेरा गाजी खान। मेरा जो विलेज है, इट इज़ नियर डेरा गाजी खान। दिस वॉज अ स्पेशल कॉमेंट दैट आई वॉन्ट टू रीड एज वेल। ओके जी, स्टार्टिंग द सेशन इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है, इट इज़, लेट मी शो टू यू। ओके, ये है जी, लाइव ईविल आई कॉजेज सिम्टम्स एंड क्योर बाय तोहा बिन जलील। और हम इस टॉपिक को मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि एक तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं नॉर्मली अपने टॉपिक्स जो चूज़ करता हूँ, वो देखता हूँ कि आजकल यंगस्टर्स में, यूथ में क्या क्या मसले चल रहे हैं।
किन चीज़ों के कौन सी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं और किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। ऑल्दो मैंने एक दफ़ा पहले भी इस टॉपिक पे बात की है जब हमारा वेंसडे नाइट एक्सक्लूसिव i8 में हमारे हाशिम भाई घर पे होता था, लेकिन इट वॉज़न्ट रिकॉर्डेड, इट वॉज़न्ट अपलोडेड। तो आई थॉट कि मैं इसको दोबारा से इंशाल्लाह विद अ बेटर एंड यू नो मोर कॉन्टेंट मैं इसको लेके आऊँ इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि इस टॉपिक का चूज़ करने की वजह यह है कि द उम्मा इज़ वेरी मच कन्फ्यूज अबाउट दिस टॉपिक। लोगों को बहुत इल्म नहीं है इस टॉपिक के बारे में, पीपल आर रियली कन्फ्यूज, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस का शिकार हैं, और इसी वजह से लोग डिफरेंट इनोवेशंस में, बिदआत में, हत्ता के शिर्क में भी मुबतला हो जाते हैं नज़र बद के इलाज करने के चक्कर में, जो कि बहुत गलत बात है। चाहे एक नुक्ता ही क्यों नहीं लगा रहे वो, देखे ना, एक औरत बिल्ली की वजह से जन्नत में चले गई, उसकी डिटेल्स हैं हदीस में, और एक औरत कुत्ते की वजह से जहन्नम में चले गई। और इस तरह से एक हदीस में आता है कि एक मक्खी की वजह से एक शख्स जहन्नम में जाता है और एक जन्नत में जाता है। तो बात यह कि द एसेंस मैटर्स, कि हम लोग किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो डायरेक्शन है वो सहाबा वाली है, अल्लाह के नबी वाली है या नहीं है, कुरान और सुन्नत वाली है या नहीं है, या हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग बात करेंगे जो कुरान और हदीस से ईविल आए साबित होती है या नहीं होती, उसके बारे में बात करेंगे कि कुरान में क्या दलायल हैं, हदीस में क्या दलायल हैं, किस वजह से नज़र बद लगती है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जिस बंदे को लग जाए उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और कोई शख्स किसी को नहीं लगी लेकिन उसको डर है कि मुझे लग सकती है, वो प्रिवेंशन, जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन क्या क्या है उसके लिए, क्या क्या वो अमल कर सकता है जिससे वो नज़र बद से बच सके, और इसी तरह से फिर अल्टीमेटली क्योर क्या है, और किस किस तरह के लोग होते हैं जिनसे नज़र बद लगती है और किस तरीके से लगती है, ठीक है। हम सिर्फ कुरान और हदीस के और जो सलफ़ सालहीन और उलमा के जो एक्सपेरिमेंटेशन है उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। विल नॉट गो इनटू डिटेल्स के फ़लां बाबे ने क्या कहा या फ़लां शख्स ने क्या कहा, रादर विल ट्राई टू टॉक अबाउट ऑथेंटिक स्टफ़ ओनली इंशाल्लाह ताला। पहली बात तो जान लें कि उम्मती मुहम्मदिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टॉपिक के हवाले से दो एक्सट्रीम्स पाई जा रही हैं। एक तो वो ये एक्सट्रीम है कि हर शख्स कोई भी मसला हो उसको लाइफ में, वो नज़र बद पे उसको ब्लेम कर देता है, उसकी हेल्थ हल्की सी ख़राब भी मुझे नज़र लग गई, उसकी सुबहान अल्लाह बिज़नेस में उसको लॉस हो गया, कहता है मुझे नज़र बद लगे, उसकी वालदा उसकी औलाद उसकी बात नहीं मान रही, मेरी औलाद को नज़र बद लगे, ठीक है, उसको कोई भी एक्सीडेंट हो गया नज़र बद लगे, हर चीज़ को में नज़र बद डाल देना, एक ही एक्सट्रीम है, ठीक है। दूसरी एक्सट्रीम उम्मत में पाई जाती है कि नहीं जी नहीं, कोई नज़र बदशद नहीं होती, बस ऐसी लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की किसी ने आँखों से देखा और उसको जो है ना वो नज़र लग गई, ये कैसे, ये इसको फिज़िक्स प्रूव नहीं कर सकती, इसको साइंस प्रूव नहीं कर सकती, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट अगर बात बताऊँ तो मेटाफिज़िक्स के बारे में जो रिसर्च हो रही हैं एंड पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये रेज़ क्या होती हैं एंड ये जो एक मेटाफिज़िक्स है, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं ये क्या होती हैं, इनको कैसे देखा जा सकता है, जिसके बारे में इस्लाम ही हमें गाइड करता है, साइंस हमें ज़्यादातर गाइड नहीं करती, बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड एंड इट कैन नॉट बी फेल्ट, लेकिन ये हक है, ठीक है, ये हक है। तो दूसरी जो एक्सट्रीम है लोगों में अनफॉर्चुनेटली पाई जाती है कि कोई नज़र नहीं होती, ये हो सकता है तुम्हें कोई बीमारी होगी, जाओ टेस्ट कराओ, और इंसान ख्वार हो जाता है, डिफरेंट मेडिकल रिपोर्ट्स, डिफरेंट टेस्ट कराता है, डिफरेंट डॉक्टर से पास जाता है और टेस्ट क्लियर आते हैं, उसको कोई जो है ना बीमारी नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल या कोई साइकाट्रिस्ट भी इवन कहते हैं कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आप जाके, फिर भी इंसान जब परसिस्ट करता है तो फिर उसको साइकाट्रिस्ट जो है ना वो रिलैक्सिंग और लेक्सोटिन और ऐसा की गोलियां दे देते हैं कि बस तुम सोते रहो, तुम आराम करते रहो, तुम्हारा और कोई चारा नहीं है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। तो हम लोग बीच का इंशाल्लाह रास्ता अपनाएंगे और देखेंगे कि इसका असल में ये असल है क्या चीज़ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो हमने दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं होना कि हर चीज़ को नज़र बद पर ब्लेम कर दें, और दूसरी चीज़ कि नहीं जिन इसका इनकार कर दें, अल्लाह के नबी की हदीस का और कुरान के सिरों से इनकार कर दें। चले पहले कुरान से बात कर लेते हैं। कुरान में सूरह कलम में आयत नंबर 51 में अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं, इन यकादुल्लज़ीना कफरू लियुज़लिकूनका बिअबसारिहिम
لما سمعوا ذكر ويقولون انه لمجنون, کہ کافر لوگ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کافر عنقریب اپنی نظر کے ساتھ تمہیں پھسلا دینا چاہتے ہیں, تمہیں پھسلا نہ دیں. جب انہوں نے یہ قرآن سنا, لما سمعوا ذکر ويقولون انه لمجنون, اور انہوں نے جب قرآن سنا اور کہا کہ یہ تو والعیاذ باللہ مجنون ہے, دیوانہ ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, اور یہی محدثین اور مفسرین کی رائے ہے کہ اسے مطلب کیا ہے کہ جو کفار ہیں یہ کافر اپنی نظر سے آپ کو پھسلا نہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کفار جانتے تھے کہ ان کی نظر لگتی ہے, اور اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بائی ایکسپیرینس آؤٹ آف ڈفرینٹ یو نو ایونٹس آف لائف ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری نظر لگتی ہوتی ہے. تو وہ جو کفار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے, اس طرح گھورتے تھے جب اللہ کے نبی کعبہ میں جو ہے نا وہ اپنے یا تو اپنے کام کاش کر رہے تھے یا کعبہ میں آ کے جو ہے نا اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے, تو ان کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھسل جائیں, اپنے ڈی ٹریک ہو جائیں, راستے سے ہٹ جائیں, یا دین کے لحاظ سے یا فزیکلی. لما سمع الذکر, جب انہوں نے قرآن کو سنا اور کہا کہ یہ تو دیوانہ اور پاگل ہے. تو یہ جو بیسکلی جو بات ہے والعیاذ باللہ, انہوں نے کہا کہ لیوز لیقون بابصارہم, کہ وہ اپنی آنکھوں سے چاہتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں. ٹھیک ہے, تو ابن کثیر نے یہ فرمایا. ایک اور جگہ پہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یعقوب کی اپنی بیٹے کو نصیحت وہ کوٹ کرتے ہیں, فرماتے ہیں وقال, کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. اور یہ واقعہ کیا ہے, یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بن چکے تھے ایجپٹ کے, وہ لوگ آئے, جب ان کے بھائی آئے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور پھر ان کو بھیجا کہ اپنے جو ہے نا بھائی کو لے کے آؤ. تو یہ آئے اور بنیامین کو لینے آئے, اور تمام کے تمام جو ہے نا بھائی بنیامین کے ساتھ, جو کہ کچھ روایت میں ان کا نام بنیامین آتا ہے, لے کے جا رہے تھے. اب واپس ایجپٹ جا رہے تھے, تو اب یہ بھائی کس کے ہیں؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے, جو کہ بہت خوبصورت تھے اور لمبے چوڑے قد کاٹ کے جو ہے نا یہ بھائی تھے. تو یہ جب جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس, تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی, اور کیا کہا؟ وقالا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بیٹو, ایک دروازے سے تم نے داخل نہیں ہونا, کٹھے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ, کہ جب تم داخل ہو تو ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا, کوئی اس دروازے سے, کوئی اس دروازے سے, کوئی اس دروازے سے, ڈیوائڈ ہو جانا اور ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ شیء, اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پلان سے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اس سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ, کہ بے شک جو حکم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. علیہ توکلت, ہم اسی پہ توکلتے ہیں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پہ توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. ناؤ اس میں بہت سارے جو ہے نا صحابہ, ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجاہد جو ان کے شاگرد تھے, اور اس طرح کے بہت سارے ادر سلف صالحین, وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے نظر کے خوف سے یا نظر بد کے لگ جانے کے خوف سے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ تدبیر بتا رہے ہیں کہ لا تدخلوا من باب واحد, کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا, بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ, ڈفرینٹ ڈورز سے داخل ہونا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے بچوں کو, میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے, لوگ دیکھیں کہ یار کمال کا جو ہے نا یہ ایک گروپ ہے برادرز کا, جس میں لمبے چوڑے خوبصورت نوجوان بھرپور جوانی اور یہ داخل ہو رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ ان کو ان پہ واہ واہ کر اٹھیں اور اش کر اٹھیں اور جو نا ان کو دعا نہ دیں یا ان پہ کوئی ماشاء اللہ ان کے اوپر نہ پڑیں. تو انہوں نے اس کو تدبیر اختیار کی, کہا کہ مختلف دروازوں داخل ہونا, تاکہ یو نو یو کین ناٹ انٹر ود اے گینگ, تاکہ تمہیں لوگ, تم ایک نا پرومیننٹ چیز نہ بن سکے لوگوں کی نظروں کے سامنے. اور پھر کیا کہا؟ وما اغنی عنکم من اللہ شیء, یہ تو تدبیر تو ہمیں اختیار کر رہے ہیں, لیکن اگر اللہ نے کچھ تقدیر میں لکھا ہوا تو میں تمہیں اسے نہیں بچا سکتا اور ہم اسے بچ نہیں سکتے. تو اس میں لیسن کیا دے رہے ہیں؟ کہ ہم نے اسباب کا استعمال کرنا ہے, پھر بھی اگر کچھ ہمارے تقدیر میں اچھا یا برا لکھا ہوا ہے تو کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ, کہ اصل جو حکم ہے, اصل جو کام ہے, اصل جو آرڈر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. ہم تو کچھ حکم کا چینج نہیں کر سکتے. علیہ توکل, ہم اس پہ توکل کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ کوئی پیٹرول یا آئل گرا ہوا ہے, وچ از سلیپری فار دا کارز اور بائکس,
तो हम ये कहें नहीं नहीं जी नहीं, जिसने गिरना होगा जी तकदीर में लिखा होगा वो गिर जाएगा, तो उस पर कुछ भी ना करो, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम उस पर हो सकता है कि उसको वॉश कर दें या उस पर मिट्टी डाल दें ताकि वो सेटल हो जाए और कोई गाड़ियाँ उस पर से स्लिप ना हो, ठीक है। और फिर जो है ना, जिसको इन हुक्मु इल्लल्लाह, फिर भी जिसने गिरना है वो गिर गिराएगा, लेकिन हम तदबीर और असबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे नहीं जी देखिए जी जिसकी तकदीर में लिखा होगा ना जी वो तो आके यहाँ गिर के रह गया, तो क्या ज़रूरत है जी उठ के यहाँ पे मिट्टी डालो और इसको जो है ना कोई असबाब का इस्तेमाल करो, नहीं ऐसा नहीं करना। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, हमेशा असबाब का इस्तेमाल करें, जो काम कर सकते हैं करें, एंड देन पुश योर ट्रस्ट इन अल्लाह सुबहाना व तआला, ठीक है। तो ये दो दलायल तो कुरान से हैं, नस्के नज़र बद लगती होती है। अब हदीस में आ जाएँ, पहली बात सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है और ये मुतफ़क़ुन अलैहि हदीस है। चल आपसे पूछ लेता हूँ मैं कि मुतफ़क़ुन अलैहि हदीस किस हदीस को कहते हैं जो किन किन किताबों में आई होती है, या को मैंने हिंट दे दी है, ठीक है। मुतफ़क़ुन अलैहि हदीस कौन सी हदीस होती है, ये आप लोग इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं आप लोगों से भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पूछता रहूँ। मैंने आप लोगों से आई थिंक ये माई बेटर वर्जन के सीरीज़ में भी रमज़ान ने पूछे थे ये बात, तो जिनको याद होगा वो इंशाल्लाह बता देंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर कमेंट्स। अब ओके गुड आंसर्स माशाल्लाह, एग्रीड अपॉन, एग्री बॉन्ड, एग्री बॉन्ड बोलते हैं मुतफ़क़ुन अलैह के जो ट्रांसलेशन को एग्री बॉन्ड बोलते हैं। सिस्टर दुरन नयाब का आंसर इज़ करेक्ट। कामिल चौधरी कह रहे हैं इट्स बुखारी। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर लोग सही जवाब दे रहे हैं। एक भाई का जवाब है बहुत अच्छे लग रहे हो भाई, ये मेरा सवाल नहीं था आपसे, और इनका नाम है लेजेंड अब्दुल्ला, आप लेजेंड ही हैं यार, जज़ाकल्लाह खैर। ओके यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जिन जिन का सही आंसर है उनके नाम ले लेता हूँ। मुकद्दस यास्मीन कह रही हैं कि सही बुखारी मुस्लिम। मीर हमज़ा का सही आंसर है। बुशरा जावेद करें जिसे जिस पे सब मुहद्दिसीन का क्या इक्तफा करते हो, नहीं ये आंसर ठीक नहीं है। मुतफ़क़ुन अलैह वो हदीस होती है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में आई होती है। कोई एक हदीस विद यू नो ऑथेंटिक सोर्सेज, डेफिनेटली सही बुखारी सही मुस्लिम में है तो वो ऑथेंटिक ही होगी, दोनों में आ जाए उसको मुतफ़क़ुन अलैह हदीस जो है ना उसको बोलते हैं। जज़ाकल खैर ब्रदर उज़ैर, राइट आंसर। मोहम्मद हसन राइट आंसर। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया माशाल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अबारकल्लाहु फ़ी इल्मिकुम वअमलिकुम, बहुत सही बुखारी एंड मुस्लिम, बहुत सही बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुतफ़क़ुन अलैह जब भी आएगा ना आप याद रखें कि वो होता है सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस, ठीक है। अब इसमें आता क्या है, हज़रत आयशा रदील तला अनहा फरमाती हैं कि शी सेड टू द मैसेंजर, बल्कि द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू से टू हर के सीख रुकया फ्रॉम ईविल आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ को और हमारी माँ को नसीहत यह करते कि रुकया पढ़ा करो, दुआ पढ़ा करो, प्रोटेक्शन हासिल किया करो फ्रॉम ईविल आई। और उसका हम इंशाल्लाह आज जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी दुआएं हम पढ़ सकते हैं या अल्लाह के वसल्लम अपने ऊपर या इमाम हसन हुसनैन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा पे क्या दुआ पढ़ा करते थे, ठीक है इंशाल्लाह। एक और हदीस में आता है जिसके बारे में फरमाया अल आइनु हक, बेशक जो नज़र बद है वो हक है। हक का मतलब यह कि वो इट इज़ इट एग्जिस्ट, लगती होती है, ये नहीं कि वो बहुत अच्छी बात है और हक की चीज़ें लगाओ सबको, नहीं। अल आइनु हक मीन्स नज़र बद जो है ना वो हक है, इट एग्जिस्ट और वो लोगों को लगती होती है। वलौ काना शैअन साबिक साबिकुल क़द्र लसबक़तुल आइन, अगर कोई चीज़ तकदीर पे सबकत ले जाती तो वो नज़र बद होती, अगर कोई चीज़ तकदीर से भी आगे बढ़ जाती तो वो नज़र बद होती, लेकिन तकदीर से कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती, नज़र बद भी नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगर होती तो वो चूंकि इट इज़ सो मच पावरफुल और ये इतनी डैमेजिंग है कि ये तकदीर से भी बढ़ जाती। और अगर तुम्हें हुक्म दिया जाए, कहा जाए गुसल करने का, फ़ग़सिलू, तो गुसल कर लिया करो। अब ये अलग में से सलूशन बता रहे हैं जो कि हम बाद में जिक्र करेंगे कि जब तुम्हें कहा जाए या रिक्वेस्ट की जाए गुसल करने की तो तुम गुसल करके उसका पानी अगले को दे दिया करो। उसके बारे में हम क्यों और मैं इंशाल्लाह बात करेंगे कि अल्लाह के मसल्लम ने ऐसा क्यों फरमाया। एक और हदीस है मुतफ़क़ुन अलैह, ठीक है सही बुखारी मुस्लिम की, उसमें उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनके पास एक बच्ची थी और अल्लाह के मसल्लम ने उनको विज़िट किया उम्मे सलमा को, और जब देखा तो बच्ची का जो चेहरा था वो पेल हो चुका था, द फेस वॉज़ येलोइश, ठीक है पेल हो चुका था, और उसके आँखों के नीचे जो है ना वो हल्के थे।
अच्छा एक बात याद रखें, हल्के आमतौर पे लोगों के आंखों के नीचे पड़ जाते हैं बाय यूजिंग यू नो लॉट ऑफ यू नो बाय स्पेंडिंग लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम या लैपटॉप पे बहुत देर तक काम करना या बहुत देर तक मूवीज़ देखना या वो सीरीज़ देखना या कोई ऐसा काम करना जो कि बहुत टायरिंग हो, पढ़ते रहना एग्जाम्स में पड़ जाते हैं, लेकिन फेस का पेल और येलोश होना दिस इज़ एन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है? तो जब ये दोनों कॉम्बाइन हो जाए ना एक इंसान में कि फेस भी पेल है और येलो है और आंखें भी उसके हल्के पड़ गए हैं, कभी कभी इंसान के रो रो के भी हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन उसके साथ फेस भी अगर पेल हो जाए तो दिस शोज़ एन एबनॉर्मेलिटी। अगर तो कोई मेडिकल इसका डिजीज़ नहीं है तो नज़र बद उस इंसान को लगी होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास आए, जब उसको देखा उसके चेहरे को, इट वॉज़ पेल येलो और उसके आँखों के हल्के पड़े हुए थे, तो फरमाया कि इसको नज़र बद लगी है, इसको दम करो। और हम आज दम के बारे में बात करेंगे कि वो दम दम शरीयत में बोलते किस चीज़ को हैं और उसको क्या क्या पढ़ा जाता है इंशाल्लाह उसमें, ठीक है? एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद ऊँट को अपनी हांडी तक और एक इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। ऊँट को हांडी तक मींस कि वो ऊँट को जब नज़र लगती है तो ऊँट जो है ना तड़पने शुरू हो जाता है और लोगों को उसको ज़िबा करना पड़ जाता है और वो उसको उसको गोश्त तो काट के वो हांडी तक आ जाता है। मींस एक ऊँट भी तड़प जाता है और वो मर सकता है और लोग उसको ज़िबा कर लें ताकि वो हांडी में आ जाए, हांडी तक और एक इंसान को उसे कब्र तक पहुंचा देती है। मींस वो इंसान की जो नज़र लगती है वो इतना उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो उसको उसकी सेहत इतनी डिटोरिएट हो जाती है कि वो अपनी कब्र तक पहुँच जाता है। एक और हदीस है उसकी जो उसकी सेहत में कुछ कलाम है वो ये है कि मेरी उम्मत का 1/3 हिस्सा नज़र बद की वजह से अपनी कब्र में पहुँचेगा, ठीक है? और इस तरह की मुख्तलिफ जो है ना वो जो है ना इस तरह की अहादीस हमें मिलती हैं जो कि नज़र बद की इंटेंसिटी पे दलालत करती हैं कि हाउ ईविल एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, ठीक है? कि बहुत सारे लोगों को अपनी कब्रों तक या बहुत सारी लाइफ लाइफ को डिस्ट्रॉय जो करेगी वो नज़र बद करेगी, ठीक है? अब ये देख लें कि हसद कितनी बुरी चीज़ है, हसद कितनी बुरी चीज़ है। आप ये देखें, सुबहान अल्लाह, सबसे पहला जुर्म और सबसे पहला गुनाह जो किया गया इस दुनिया में काबिल और हाबील आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, किस वजह से हुआ? हसद की वजह से। काबिल ने हाबील को जो कत्ल किया वो हसद की वजह से किया। इवन आप उससे पहले भी चले जाएं, शैतान और आदम अलैहिस्सलाम का जो मामला है, इट बिगैन विद हसद कि इसको अल्लाह ने क्यों चूज़ किया एज अ खलीफा और मुझे क्यों चूज़ नहीं किया, ये कौन है जो जो 8 दिन हुए हैं ये आया और मुझे बोला जा रहा है जो मैं हज़ारों साल से इबादत कर रहा हूँ और फरिश्तों को कि इसको सजदा करें, हु इज़ ही, अना खैरु मिन्हु, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं से बहुत बेहतर हूँ, मुझे अल्लाह ने आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया, मैं क्यों सजदा करूँ इसे। तो वो क्या जेलेसी और हसद से शुरू हुआ। तो एक बात याद रखें, इस इंसानियत की और ये जो सारा चला, सबसे पहला गुनाह जो है ना वो हसद से शुरू हुआ। और जो नज़र बद का जो कोर है ना वो हसद है, जो कोर है, जो असल एसेंस है ना जिससे नज़र लगती है वो हसद है, और स्लैश प्राउडनेस और अकड़ना, अकड़ना बहुत तकबर होना, ये भी जो है ना इसकी वजह से भी हसद लगती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन है जो मेरे सामने बोल रहा है और मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है, आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल, ये कौन है जो कि आई एम सॉरी, ये कौन है जो कि जिसने इतना अच्छा घर बना लिया, आई एम द बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन द होल यू नो कंट्री और इस्लामाबाद, ये कौन है जिसने इतना मुझसे भी अच्छा घर बना लिया और अवार्ड ले लिया ऑफ बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन पाकिस्तान का, हसद। मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और टॉपर था, ये कौन है जो मुझसे भी आगे आके टॉप कर लिया उसने, ये कौन है जो मुझसे भी आगे निकल गया और मेरे से उसने अच्छा काम कर लिया, मुझे जॉब नहीं मिली इसको प्रमोशन मिल गई, ये कौन होता है, आई एम मोर नॉलेजेबल, आई एम बेटर देन हिम, अकड़ना अपने पे, गुरूर तकबर की वजह से भी। और इसकी भी जो एसेंस होती है ना तकबर की, वो हसद होती है। हसद की वजह से इंसान में गुरूर तकबर आता है और कभी कभी गुरूर तकबर की वजह से इंसान में हसद आ जाता है। तो ये दोनों जो है ना एक तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो इसकी जो असल है वो ये है, नज़र बद जो है ना हसद की वजह से लगती है। अच्छा, जिसकी नज़र लगती है उसको बोलते हैं आइन, अलिफ आइन ये नून आइन, और जिसको नज़र लगती है उसको बोलते हैं माइन, मीम आइन ये नून, जिसकी नज़र लगती है उसको बोलते हैं आइन और जिसकी नज़र जिसको लगती है उसको बोलते हैं माइन। एक बात याद रखें कि हर हासिद की नज़र नहीं लगती, हर हासिद की नज़र नहीं लगती। हो सकता है मेरे दिल में, देखिए ना, हर इंसान के दिल में कहीं ना कुछ 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 ना कुछ हिस्सा हसद का पाया जाता है, कुछ में बहुत ज़्यादा, कुछ में कम, कुछ में बहुत थोड़ा। तो हर हासिद की नज़र नहीं लगती,
लेकिन ये बात याद रखें, जिसकी नजर लगती है वो हासिल जरूर होता है। आपको समझ आ रही है? हर हासिल की नजर नहीं लगती, लेकिन जिसकी नजर लगती है वो हासिल होता है। हो सकता है कि मेरे अंदर हासिल कुछ ना कुछ पाया जाता हो लेकिन मेरी नजर ना लगे किसी को, ठीक है, लेकिन जिसकी नजर लगती है उसमें हसद जो है ना वो ज़रूर पाया जाता है, ठीक है। तो हासिद और महसूद, जिसे हासिद जो है ना वो बोलते हैं, आइन जो नज़र लगाता है उसको हासिद बोलते हैं, और मईन जिसको नज़र लगती है उसके महसूद, जो कि हसद की ग्रिप में आ जाए और वो पकड़ा जाए बेचारा, ठीक है। तो एक और चीज़ याद रखें कि अल्लाह सुबहानहू तआला ने हमें क़ुरान में सूरह नास में ये बता दिया, व मिन शर हासिदिन इज़ा हसद, कि मैं लोगों के इलाह की पनाह में आता हूँ, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, मालिकिन नास, लोगों के मालिक की पनाह में आता हूँ, इलाहिन नास, लोगों के जो इलाह है, हालांकि रब में मालिक और इलाह दोनों शामिल हैं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली दोबारा क्यों उस पर एम्फसाइज किया? क्योंकि आगे जो आने वाली चीज़ें हैं ना वो बड़ी बुरी हैं। अल्लज़ी युवस्विसु सुदूरिन नास, जो है ना, जो कि लोगों को दिलों में वसवसे देते हैं, बल्कि जो मिन शर हासिदिन इज़ा हसद, ये सूरह फलक में आता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर मा खलक, व मिन शर गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर नफ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन शर हासिदिन इज़ा हसद, कि मैं फलक के बनाने वाले की पनाह में आता हूँ आखिर में किस चीज़ का, मिन शर हासिदिन इज़ा हसद, हसद के जो है ना, हसद करने वाले के हसद से मैं पनाह में आता हूँ। और ये हम अपनी नमाज़ों में और अपनी दुआओं में इसको हम पढ़ते होते हैं, कुरान की इस आयत को और सूरत को। और मौजतन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे, लेकिन जब मौजतन नाजिल हुई, और ये कब नाजिल किया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया और उनके बालों को लेके उन पे 11 गिरह बांधी गई और एक कुएं में डाल दिया गया, तो जिब्रील सलाम आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उधर जो है ना उस कुएं से जाके आप किसी सहाबी को भेजें तो वो ये निकलवाएं, और फिर उन गिरहों का तोड़, क्योंकि 11 गिरहें थी, ऐसे तोड़ अल्लाह सुबहान तआला ने 11 आयात दी, सूरह फलक और सूरह नास की जो आयात हैं वो 11 हैं, तो ऐसे तोड़ दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तमाम दुआएँ मांगना उनको पीछे कर दिए और फलक और नास को सबसे टॉप प्रायोरिटी बना ली और हमेशा इससे पनाह लिया करते थे। और फिर हदीस ने फरमाया कि पनाह मांगने वाले के लिए इससे बेहतरीन कोई और दुआ नहीं है, कि पनाह मांगने के लिए कि इससे बेहतरीन जो है ना वो कोई और पनाह मांगने वाली कोई चीज़ नहीं है, इससे बेहतर कोई और दुआ नहीं है कि वो उसे पनाह मांग सकें। तो दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट सूरह फलक एंड सूरह नास इज़। और फलक में हम देखते हैं कि वमन शर हासिदिन इज़ा हसद, कि हसद से जो है ना पनाह मांगी गई है। अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है, हम कैटेगरीज डिफाइन करें, ठीक है, हसद क्यों लगती है हमने देखा, और जो है ना हसद की एसेंस और कोर क्या होती है, जो कि हसद और अकड़ होती है, ठीक है, और हसद कितनी डेंजरस चीज़ और नज़रबंद कितनी डेंजरस चीज़ है। अब दो तरह के लोग होते हैं जिनकी नज़र लगती है, एक वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि उनकी नज़र लगती है, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमारी नज़र लगती है, ठीक है, जिनको पता होता है उनको कि हमारी नज़र लगती है, उनको कैसे पता चलता है, बाई एक्सपीरियंस, वो ज़िंदगी में ना एक्सपीरियंसेस करते हैं कि मैंने जब भी किसी गाड़ी को देखा है और क्या कि क्या कमाल की गाड़ी है, उससे एक्सीडेंट हुआ है, और मैंने किसी शख्स को चलते हुए देखा है और जब मैंने उस पर की तारीफ़ की है या उसको देखा है तो कुछ ही देर बाद वो गिर गया या उसको वो बीमार हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, और मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि हमारी नज़र जो है ना वो लगती होती है, ठीक है, इन पे तो लाजिम है कि वो अपने दिल से हसद को और बुग़्ज़ को और कीने को और जो है ना जब भी किसी को देखें तो उसके लिए बरकत की दुआ करें, मतलब इनको लाजमी पढ़नी चाहिए, ऑल दो बाकी को ही पढ़नी चाहिए। आई एम सॉरी, आज ये थोड़ा सा मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो वो जो है ना उनको पता होता है कि हमारी जो है ना वो नज़र लगती होती है, और वो अगर किसी को जानबूझ कर नज़र लगाते हैं तो वो कत्ल में शामिल होता है, और हम इस बारे में हदीस ही पढ़ेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमारी नज़र लगती है, उन्हें कभी नज़र लग भी जाती है, कभी नहीं भी लगती है, कभी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आम लोग हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारी नज़र जो है ना वो लगती है या नहीं लगती, लेकिन दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी किसी को देखें तो बरकत की दुआ करें, और वो आगे आ रहा है या अल्लाह का जिक्र करें या बरकत की दुआ करें, और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर जिसकी तो नज़र लगती है, उसको पता है, उस पर तो फ़र्ज़ और लाजम है कि हर दफ़ा करें, क्योंकि ही न्यूज़ के
اگلے کی زندگی بہت افیکٹ ہو سکتی ہے, اگلے کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے اگر میں نے برکت کی دعا نہ کی یا اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا اس کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, اور جن کو نہیں پتا تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے دل کو ہمیشہ صاف اور پاک رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں. پہلے کیٹیگری انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے حسد کو نکالے اور اس بغض اور کینے کو نکالے کہ اس کے دل میں مطلب حسد بھرا ہوا ہے اور ہے, موجود ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ کام کرے, اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس حسد فرام دا ہارٹ انشاءاللہ تعالیٰ. کیا بڑوں کو جلدی نظر بد لگتی ہے یا بچوں کو؟ یہ بات جان لیں کہ بچوں کو نظر بد جو ہے وہ زیادہ جلدی لگتی ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جعفر بن ابی طالب, یہ حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی تھے اور جن کو جعفر طیار بولتے ہیں, کہ ان کی جنگ میں پہلے ایک ہاتھ کٹا, انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا لشکر کا جو جھنڈا تھا پکڑ لیا, پھر دوسرا ہاتھ کٹا انہوں نے اپنا منہ میں لشکر کا جھنڈا پکڑ لیا, اور جب ایسا ہوتا رہا تو پھر ان کا دشمنوں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ شہید ہو گئے. تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرا بھائی جعفر جو ہے وہ کون ہے, جعفر طیار کا لقب دیا, تو طیر مینز پرندہ, کہ میرا جعفر تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھوں کے بدلے دو پر دے دیے اور وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی اس لیے ان کا نام جعفر طیار بولتے ہیں کہ وہ ان کو ایز اے پرندہ بنا دیا انہوں نے جنت کا, اور وہ جنت میں سیر کرتے پھرتے اور اڑتے پھر رہے ہیں. تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, اور ان کی جو وائف تھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس جب گئے تو ان کے بچوں کو دیکھا کہ ان کے بچے بہت سلم سے بہت ویک اینڈ میک ہوئے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا بھائی جعفر تو بڑا اچھا کماتا ہے, اچھا کھلاتا تم لوگوں کو, اور کوئی مال کی کمی نہیں ہے, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بچے جو ہے دبلے پتلے ہیں؟ تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بچوں کو نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے. تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دم کرو, اور پھر انہوں نے ان پہ کچھ کلمات پڑھ کے اللہ کریم کو سنائے کہ کیا میں ان کو ان کلمات سے دم کر سکتی ہوں. اپروو کروایا, اور جب اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا تو پھر انہوں نے ان کلمات سے ان بچوں کو دم کیا. ٹھیک ہے, تو اسے دو تین باتیں سمجھ آتی ہیں. نمبر ون, اس بچوں کو نظر جلدی لگتی ہے, دے آر مور ورنریبل ٹو نظر بد اینڈ ایول عین. اور دوسری چیز کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی دعا یا کوئی بھی کلمات پڑھ کے نظر بد کے علاج میں نہیں پھونس سکتے جب تک وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروو نہ ہو. تو ہم اپروڈ دعائیں اور جو ہے نا وہ اذکار ہی پڑھ سکتے ہیں اس کے. اور جو اللہ کی نبی کہنا دم کرو, تو واٹ از دم؟ بائی دا وے, دم از شریعت میں ایسی پھونک جس میں تھوڑے تھوڑے اسپٹ پارٹیکلز یا آپ کے جو لعاب ہے اس کے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا قطرے موجود ہوں. ایک ہوتا ہے نا پھونکا جو, یہ نہیں, ایک ہے یہ کرنا جس میں, جس کو بولتے ہیں نفث, جس میں ہلکے سے نا آپ کی جو تھوک ہے وہ اس میں شامل ہو, سلائٹ پارٹیکلز, اس کے تھرو اللہ کے وسلم دب کیا کرتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی, اور پھر یا تو اپنے ہاتھوں پہ ان کو دم کر کے اپنے جسم میں پھیر لیا کرتے, یا اپنے باڈی پہ اس کو ڈائریکٹلی, جیسے اگر چیسٹ پہ کرنا ہے تو کر دیا, ٹھیک ہے, اور یا اپنے اگر کسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پہ منہ پہنچ نہیں سکتا, ہاتھوں پہ کر کے اپنے پورے جسم پھیر دیا یا اس جگہ پہ لگا دیا, ٹھیک ہے, یا اپنے سر پہ اس کو پھیر لیا جہاں پہ جو ہے نا وہ, کہ ایون کچھ دم میں تو یہ بھی ثابت ہے کہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا اللہ کے وسلم نے اس کو پڑھ لیا, اور یہ بھی دم کا ایک حصہ ہے. تو دم جب بھی نظر بد کا کرنا ہوگا وہ نفت کے ساتھ, یعنی پھونک کے ساتھ تھوڑے سے جو ہے نا وہ اسپٹ پارٹیکلز بھی انوالو ہوں گے, اور جس میں ہاتھ پہ کر کے اس جگہ پہ جہاں پہ تکلیف ہے وہاں پھیر لیا جائے, یا پھر ایسا کیا جائے کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اپنے جسم پہ یا اپنی شرٹ پہ یا اپنے جس بھی جگہ پہ اس کو پین ہے وہاں پہ جو ہے نا اس کو کر لیا جائے. تو یہ دم ہے. دوسری بات ہے اس دم میں کہ اٹ شوڈنٹ بی این انوویشن. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ یار کوئی بھی کلمات مل کے بنا کے عربی کے یہ پڑھ لو, یا یہ چیز 50 دفعہ پڑھ لو, یہ جو ہے نا کوئی لفظ یا کوئی چیز, بلکہ ویسے تو قرآن پورا کا پورا شفا ہے, لیکن ہم خود سے دعائیں نہیں بنا سکتے. رادر واٹ از ریکوائرڈ از کہ اللہ کے وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں یا قرآن کے آیات, وہ ہم اس کو جو ہے نا پڑھ کے پورے, کیونکہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے, لیکن اس کی تعداد معین کرنا کہ آپ نے 41 دفعہ لازمی پڑھنا ہے اور یا 51 دفعہ لازمی پڑھنا ہے, اسے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, اس کو اگر ہم بتا رہے ہیں تو پھر دس ہیز ٹو بی پروون فرام دا قرآن سننا, کہ ہم ایک تعداد اور کوانٹٹی میئر کیوں کر رہے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں کہ یار 50 دفعہ پڑھو تاکہ وہ بندہ کم نہ پڑھے اور زیادہ کوانٹٹی پڑھے, کہ آپ کم از کم 50ش اراؤنڈ 50 پڑھ لیں
तो ठीक है इंशाल्लाह, ताकि जस्ट टू हैव एन आइडिया कि इतनी कम अज़ कम पढ़नी है, वरना अगर इंसान एक वेग फिगर देते कि आप बस ज़्यादा पढ़ें, किसी इंसान के लिए ज़्यादा 10 दफ़ा है, किसी के लिए ज़्यादा जो है ना वो 500 दफ़ा है, तो उसको किस तरह बताते हैं कि ज़्यादा कितना है, तो उसको आप एक वेग से फिगर दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि इतनी दफ़ा एग्जैक्टली पढ़ लें वो हमें हदीस से जो है ना प्रूवन होना वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दिस इज़ वॉट शुड बी रिसाइटेड इन दम। नाउ नज़रबंद लगती कैसी है? देखिए, इट इज़ फ्रॉम द मैटर्स ऑफ अनसीन, ये इल्मुल गैब है, हमें अल्लाह ताला ने इस चीज़ का इल्म नहीं दिया कि आंखों से क्या चीज़ निकलती है और कैसे अगली बंदी की जिस्म में घुसती है और रिएक्शन करती है और इंसान वो जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाता है। वल्लाहु ताला आलम नज़रबंद लगती किस तरह से है, ठीक है। और ये बात भी जान लें कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नज़रबंद नहीं लग सकती, चाहे पूरी दुनिया के लोग मिल के भी नज़रबंद किसी को लगाना चाहें वो नज़रबंद नहीं लगा सकते जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो या अल्लाह ताला उसकी इजाज़त ना दें। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुअती लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, या अल्लाह कोई रोक नहीं सकता अगर आप मुझे कुछ देना चाहें। हम हर नमाज के बाद दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, वला मुअती लिमा मनअत, और कोई जो है ना दे नहीं सकता अगर आप उसको मना कर दें। पूरी दुनिया मिलकर मुझे कुछ देना चाहे अगर अल्लाह ताला ना चाहें तो वो मुझे नहीं दे सकते, वाला यनफाउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, और किसी की प्रोजनी और उसका जो है ना ख़ानदान उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ के खौफ नहीं करना, डरना नहीं है, बल्कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं और अल्लाह पे तवक्कुल करना है और अल्लाह पे भरोसे करते हुए एक चलना है कि अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो मुझे नज़र लगेगी, अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो मुझे नज़र नहीं लगेगी, और अल्लाह की रज़ा में मेरी रज़ा है। वट इज़ प्लीजिंग टू अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़ प्लीजिंग टू मी, वट इज़ डियर टू अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़ डियर टू मी इंशा अल्लाह, ठीक है। और एक और चीज़ भी याद रखें कि जो भी इंसान पे मुसीबत आफत लाइफ में आती है, अगर किसी को नज़रबंद लगी हुई है, हम इसके बाद इस पर इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इंसान में कि उसको पता चले कि मुझे नज़रबंद लगी हुई है। लेकिन बस याद रखें कि जो भी तकलीफ़ आफत परेशानी हमारे ऊपर आती है ना, वो हमारे गुनाहों को मटाती है। हदीस में क्या होता है कि हद तक एक कांटा भी चुभता है, जो भी परेशानी तकलीफ़ इंसान पर आती है उसे गुनाहों को मटाती है, हद तक एक कांटा भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कांटे का भी मेंशन किया, वो इंसान को चुभता तो उसकी वजह से उसके गुनाह माफ़ होते हैं। एक और हदीस में आता है अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक इंसान पे इतनी मुश्किलें परेशानी आफात आती हैं कि हत्ता के वो उस पर सब्र करता है और वो इस दुनिया में ऐसे चल रहा होता है कि जैसे उसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहता उन परेशानी मुश्किल की वजह से। लेकिन हमें इन परेशानियों का सवाल नहीं करना चाहिए, इन मुसीबतों का सवाल नहीं करना चाहिए, अल्लाह मुझे मुसीबतें दे। एक सहाबी थे, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह जो भी मैंने गुनाह किए उनका बदला मुझे दुनिया में ही दे दे ताकि आखिरत में मेरे लिए कोई गुनाह ना बचे और मैं पाक होके जाऊँ। और वो बहुत शदीद बीमार हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि तुमने कोई दुआ सीखी है? तो उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह, मैंने ऐसी दुआ की कि या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों का बदला मुझे दुनिया में दे दे और मुझे आखिरत में मुझे कोई गुनाह ना देना, मुझे कोई अज़ाब ना देना। तो अल्लाह के वसल्लम ने कहा कि ऐसे मत कहो बल्कि अल्लाह ताला से बख्शी का सवाल करो। तुम ऐसे कहते या अल्लाह जो भी मेरी दुनिया में गुनाह हो गए मुझसे उनको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला तो बहुत माफ़ करने वाला है, और रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, तुम्हारा रब तो बहुत गफूर है और ही इज़ द पोजेसर ऑफ रहमा, रहमा तो उसी के जो है ना उसी की पोजेशन है। तो तुमने ये क्यों कहा कि अल्लाह जो भी मसाइल हैं, जो भी मैंने आज तक गुनाह किए, जो भी परेशानियां मतलब किसी को तकलीफ़ दी परेशान किया उसका बदला मुझे दुनिया में दे दे, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह जो भी मुझसे गुनाह हुए उनके मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि रब तो बहुत माफ़ करने वाला है। वल्लाहिल अज़ीम माँ दे से माफ़ करती है, रब्बुल आलमीन पहले माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह तो बहुत माफ़ करने वाले हैं। यूरीदुल्लाह यतूब अलैकुम, अल्लाह तो चाहते हैं मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दें। तो ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह मुझसे जो भी गुनाह के बस दुनिया में बदला देता है मुझे उसका, आखिरत में जना पकड़ना नहीं, बल्कि हैव गुड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कि अल्लाह जो भी मसाइल हो गए उनको आप माफ़ कर दें, आप बड़े गफूर रहीम हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला लव्स फॉरगिवनेस, ठीक है। अल्लाह मैंने कहा अफूवन करीमन तुहिब्बुल अफा, आप तो मोहब्बत करते हैं, आप तो चाहते हैं, आप तो यू लव टू फॉरगिव, फ़ाफू अन्ना, और हम सबको माफ़ कर दें, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या हैं, कमिंग टू द सिम्टम्स, जिसको नज़रबंद लगी हुई है उनमें इनमें से कुछ सिम्टम्स जो है ना वो पाए जाते हैं। नंबर वन इज़, जैसे हम हदीस में साबित हो गया, मुंह और आंख का पीला हो जाना,
ठीक है, मुंह का पीला हो जाना और आंख का ब्लैक हो जाना, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाना, और इन द मीन वाइल ये दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, मुंह का पीला हो जाना जैसे जो है ना हदीस हमने पढ़ चुके। दूसरा, अचानक से ना जिस्म में तुगयानी आ जाना, मीन्स के अचानक से जो है ना बहुत हाइपर हो जाना, या अचानक से बिल्कुल लो हो जाना और गिर पड़ना, ठीक है, ये भी एक जो है ना इसका सिम्टम है। ठीक है, मैं आपको ना इसमें एक हदीस भी आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह कुछ देर बाद, जिसमें सहाबी के साथ क्या हुआ था। ओके, तो दूसरा सिम्टम मैंने बताया, अचानक जिस्म में तुगयानी आ जाना, इमीजिएट रिएक्शन इन अ बॉडी, उसके जो है ना एक ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं बल्कि इमीजिएट रिएक्शन, अचानक से बॉडी का तड़पने शुरू हो जाना, अचानक से जो है ना वो इंसान का गिर पड़ना, या अचानक से इंसान का ना जिसमें हाई एंड या लोअर एंड पहुंच जाना, नोट कर लें, विदाउट मेडिकल रीजंस, विदाउट एनी साइकाट्रिक इशू या कोई ऐसी, आई ऑलवेज सजेस्ट टू पीपल के गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड फर्स्ट। जो लोग अपने आप को इलाज नहीं कराते और सीधे सीधे तरफ जाते हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट के पहले अपना इलाज कराएं, पहले देखें कि कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है, अगर है तो उसका पहले इलाज कराएं, क्योंकि देर कैन बी रीज़न कि आपको बॉडी में कोई रिएक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गई है, कोई फूड पॉइजनिंग हो गई, इसी वजह से आप बिल्कुल डाउन हो गए हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, देन दिस मीन्स के दिस कैन बी अ साइन के नज़र लग चुकी है, तो अचानक से बॉडी में जो है तुगयानी का आ जाना। तीसरा, सीने में अजीब सी घुटन महसूस करना, दिल का घुटन महसूस करना, दिल का टाइटनेस महसूस करना, कि जैसे मेरे दिल को किसी ने पकड़ा हुआ है, इंसान का नफ्स अपने पे ना बहुत भारी हो जाना। अच्छा, और कुछ और सिम्टम्स में भी आता है कि इंसान का जो ये जो बैक एंड जो है ना बैक ऑफ हिज हेड, ये इतना भारी और बोझल हो जाना, फट्टों का खिंच जाना, ठीक है, शोल्डर्स का पेनफुल हो जाना, कि जब इंसान अपने शोल्डर्स को दबाए या कोई दबाए तो वो रिलैक्स फील करे, और अगर छोड़े तो दोबारा से वो पेन कॉन्स्टेंट पेन होने शुरू हो जाना उसको, ये जो सर का बैक साइड का एरिया है ये बहुत भारी हो जाना, ठीक है। और इनसे एक और सिम्टम यह है कि जब इंसान सो के उठे तो उठने के बाद भी ऐसे लगे कि उसने बहुत मशक्क़त की हुई है, बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, हालांकि अभी सो के उठा है, मे बी उसने 8 घंटे की नींद पूरी की है, लेकिन 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद ऐसे घंटे आधे पौने घंटे बाद ही फील्स के एज इफ यू नो बहुत थक गया है, बहुत एग्जॉस्टन हो गई है, तो एग्जॉस्टन का रहना, ठीक है। अगेन मैं बता दूँ, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सम मिनरल्स और विटामिन इन योर बॉडी, ठीक है, या लो ब्लड प्रेशर या कोई और वजह से भी हो सकता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप फिजिकली मेडिकली फिट हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा हो रहा है, आपने टेस्ट भी करा ली, आपका सब ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, कि ये जब रिपोर्ट्स में मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ ना आए ना, और फिर भी आप अनवेल और इल महसूस कर रहे हो, दिस इज़ अ साइन कि ये नज़र लग चुकी है, ठीक है। ओके, तिलावत के दौरान परेशानी महसूस करना, बाय द वे कुछ सिम्टम्स ना जादू और नज़रबद के सिमिलर भी हैं, कुछ सिम्टम्स लेकिन सारे नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह एंड में या उसके पहले जादू और नज़रबद का डिफरेंस भी बताऊंगा, कि क्या क्या सिम्टम्स जादू महसूस होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स नज़रबद में होते हैं जो जादू में नहीं होते, और क्या क्या जादू में महसूस होते हैं जो नज़रबद में नहीं होते, ठीक है। तो तिलावत के दौरान जो है ना वो परेशानी होना, दिल घबराने शुरू कर देना, कुरान की तिलावत हो रही है तो अजीब से जो है ना इंसान का दिल घबरा रहा है। इसी तरह से इबादत के दौरान उबासियाँ आना, कुरान पढ़ें उबासियाँ आने शुरू हो गई, नमाज जैसे शुरू की पहले फ्रेश तो उबासियाँ आने शुरू हो गई। अच्छा, इंसान के साथ ना एक दो दफ़ा होता है कभी, ठीक है, कभी हो जाता है ऐसा कि उबासियाँ आ रही हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाए ना, और हर नमाज में ही उसके साथ ये शुरू हो जाए, दिस इज़ वन ऑफ द साइंस के उसको जो है ना वो उबासियाँ आ रही हैं, एंड कॉन्स्टेंट यॉनिंग, ठीक है। अच्छा, कभी कभी नमाज के अलावा इबादत के अलावा भी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा उबासियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा उबास, हालांकि वो प्रॉपर नींद ही कर चुका है, ही इज़ फिजिकली परफेक्ट, लेकिन उसको जो है ना कॉन्स्टेंट यॉनिंग होना, ठीक है। छठा इज़ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा पसीने आना। अच्छा, स्पेशली बिलो वेस्ट, ये जो हमारी वेस्ट है ना, इसके नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा पसीने का और अनयूजुअल पसीने का आना, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते हुए, कुछ लोगों को वैसे ही गर्मी लगती है पसीने आते हैं, लेकिन अनयूजुअल पसीने आना, दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ ईविल आई। इसी तरह से बेचैनी, लैक ऑफ फोकस का होना, कि इंसान के दिल में ना अजीब सी बेचैनी है, वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, लैक ऑफ फोकस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ इविल सिम्टम्स, कि जब इंसान पढ़ने बैठे तो उसका दिमाग अजीब सा कन्फ्यूज़ हो जाता है और घूम जाता है, या इंसान किसी से बात करे तो वो अजीब सा खो जाता है और वो फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ों पर,
نماز پڑھا تو نماز میں بھی جو ہے نا وہ کھو رہا ہے، اور اگر باقی اپنے کام کر رہا ہے، نیچرل نارمل کام کر رہا ہے، کوئی چیز یاد کر رہا ہے اس کو یاد نہیں ہو رہی اور وہ بھول رہا ہے، اسی طرح سے میمورائزیشن کا اور میموری کا بھی لاس اچانک سے، حالانکہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اچانک سے کچھ ہوا کہ میموری لاس ہو رہی ہے، چیزیں یاد نہیں آ رہی، چیزیں بھول رہی ہیں. دس از ون آف دا سائنس آف سمپٹمس. اوکے ون آف سائنس ایول آئی. اوکے شیورنگ ان دا باڈی یا شیورنگ آف ون آف دا پارٹس آف باڈی، کہ انسان کی پلک کا ہونا شروع ہو جانا یا انسان کوئی مسل جو ہے نا وہ بار بار وہ کر رہا ہے، یہ کبھی کبھی نیچرلی ہوتا ہے ہمارے اندر کہ انسان کی پلک ہلنی شروع ہو گئی ہے یا کوئی بھی باڈی پارٹ جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے، دس از نارمل. لیکن ان یوژل طور سے، اور دو دن گزر گئے، تین دن، ہفتہ گزر گیا اور وہ سارا دن ہی جو ہے نا وہ شیور کر رہا ہے، دس کین بی اے سائن آف جو ہے نا ایول آئے. لانگ لاسٹنگ ڈپریشن، ڈپریشن ہونا اور بغیر وجہ کے ہو رہا ہے اور لمبا عرصے تک چل رہا ہے، یہ جنات کے اس میں بھی ہوتے ہیں اور ایول آئی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا سڈن ڈپریشن اٹیک ہونا، آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ تھوڑا سا سوئے ہیں پھر اٹھے ہیں، آپ کو ڈپریشن کی فیز میں چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا کیوں. آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ اچانک سے گھر گئے ہیں یا کوئی بھی بات ہوئی اور آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اچانک سے ڈپریشن کے فیز میں چلے گئے، حالانکہ بالکل ٹھیک تھے، اچانک ڈپریشن ہو گیا. دس کین بی ون آف سائنس آف ایول آئے. اگین میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بائی پولر موڈ ڈس آرڈر یا شیزوفرینیا یا کوئی بھی اس طرح کی مختلف سائیکولوجیکل مینٹل ایلنسز نہیں ہیں اور آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں تب یہ ہو رہا ہے، دین دس از سائن آف ایول آئے. الیونتھ از پارشل انکانشیسنیس اور ڈیزینیس. انسان کا ہر وقت ڈیزی ڈیزی محسوس کرنا، جیسے وہ سبحان اللہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، فوکس نہ ہونا، ہر وقت ڈیزی ڈیزی رہنا، ذہن کا ہر وقت جو ہے نا وہ جاگرا نہ ہونا، ایسے محسوس کرے کہ ہر میرا ذہن سو رہا ہے، ٹھیک ہے، پارشل انکانشیسنیس کا ہونا، ٹھیک ہے. اچنگ، بہت زیادہ خارش ہونے شروع ہو جانا، اس حد تک کہ انسان اپنا خون نکال دے خارش کرتے کرتے، یا ان یوژل سی اور اب نارمل خارش ہونے شروع ہو جانا. اگین پین ان دا چیسٹ، جس کی ہم نے بات آلریڈی کی، پین ہونا، ٹھیک ہے. بلو اسپاٹس آن دا باڈی، مختلف بلو اسپاٹس آن دا باڈی کا آنے شروع ہو جانا وداؤٹ اینی میڈیکل ایلنس، ون آف دا سائنس آف ایول آئے. برپنگ، ان یوژل برپنگ، کنسسٹنٹ برپنگ ہونا شروع ہو جانا. ایک ہے کہ کچھ کھا لیا، برپس آئے 24 آورس کے لیے، 48 آورس کے لیے، ٹھیک ہے. ایک ہے کہ برپس آئی جا رہے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. فورگیٹ فلنیس، چیزوں کو بھولنے شروع ہو جانا، اور کانسٹنٹ سنیزنگ، بہت زیادہ چھینکوں کا آنا شروع ہو جانا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے تقریباً 15-16 سائنس پڑھے ہیں آف ایول آئے. اگر جس میں مطلب 2-3 سائنس جمع ہو رہے ہیں کسی انسان میں، تو دس کین بی ایول آئے. اور ہر ایول آئی کے نا ڈفرنٹ سمٹمز ہوتے ہیں، مطلب اگر فار ایگزامپل بزنس، کسی کے بزنس کو نظر لگی ہے اس کے ڈفرنٹ سمٹمز ہوں گے، کسی کے کپل کو نظر لگی ہے اس کے ڈفرنٹ سمٹمز ہوں گے، کسی کی میموری یا کسی کے انٹلیکٹ کو نظر لگی ہے اس کے ڈفرنٹ سمٹمز ہوں گے. تو میں نے آپ کو جنرل جو ہے نا یہ 15-16 سائنس بتائے ہیں، تو ہر انسان کے ڈفرنٹ جو ہے نا سمٹمز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ اگین پریونشن از بیٹر دین کیور. کہ ہم لوگ کیا کریں اگر ہمیں ڈر رہا ہے کہ یار مجھے نظر نہ لگ جائے، تو کیا کریں؟ سورہ فلک اور سورہ ناس کو اپنا دوست بنا لیں، لازم کر لیں اپنے اوپر سورہ فلک اور سورہ ناس کو پڑھنا. ایک تو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا، پھر ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا، ٹھیک ہے، تینوں کل اخلاص، فلک اور ناس. اور دن میں باقی معاملات میں، ایون اف یو آر یو نو شاپنگ، ایون اف یو آر کوکنگ، ایون اف یو آر ڈوئنگ ہوم چورز، آپ سورہ فلک اور سورہ ناس کو اپنا ساتھی بنا لیں، انشاءاللہ نظر کبھی نہیں لگے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے صبح اور شام کے اذکار کرنا، مارننگ ایوننگ سپلیکیشنز، ان کو لازم کر لیں اپنے اوپر کہ اس کو ان کو لازمی کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا، ہمیشہ ذکر میں انوالو رہنا، یا پھر دوسروں کو دیکھیں. دیکھیں ہم ابھی دو ڈائمنشن بات کر رہے ہیں، ایک میں کس طرح بچ سکتا ہوں اور دوسرا میں لوگوں کو کس طرح بچا سکتا ہوں. تو جب بھی کسی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ برکت کی دعا کریں، بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، یا بارک اللہ فیکی، یا بارک اللہ لکی فار فیمیلز، ٹھیک ہے. اللہ برکت دے، اردو میں کر لیں، اللہ برکت دے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ اس میں ڈھیروں برکتیں ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اگر برکت دعا نہیں کرے تو پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، اسے سورہ کاف میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم پڑھ لیتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
और इसी तरह से माशाल्लाह सुबहानअल्लाह इस तरह की चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन आइडियली बरकत की दुआ करना या माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, दिस इज़ आइडियल दुआ। किसी की नेमत देखें, माशाल्लाह तबारकअल्लाह तबारकअल्लाह बरकत की दुआ है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला इसको कर लें, ये हमेशा किसी को भी देखें तो ये दुआ लाजमी इंशाल्लाह पढ़नी चाहिए। अल्लाह का जिक्र करें, हसद जो है ना अपने दिल से ख़त्म करें, हसद से छुटकारा हासिल करें, हसद से बचें इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो जब भी कोई फ़र्ज़ में किसी को देखें, किसी में क्वालिटी देख रहे हैं, किसी को किसी में अच्छी चीज़ देख रहे हैं, कोई आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है, उसको हमेशा बरकत की दुआ लाजमी करें और अपने दिल से हसद को और बोझ को ख़त्म करने की कोशिश करें, ठीक है इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह बारकल्लाहु फीक, और दिल से कोशिश करें कि मेरी अंदर जो हसद है ना उसको मैं निकालूं, और उसके लिए बरकत और मज़ीद इजाफे की दुआ करूं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करूं इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि एक हदीस में क्या आता है, एक सहाबी हैं सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पिछले दौर में ना पिछले ज़माने में घरों के अंदर वॉशरूम्स और अटैच बाथरूम्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि घरों के आगे कुछ तालाब से बने होते थे, या तो कॉमन तालाब रहते थे या फिर घरों के बाहर हाफ़ बाउंड्री के साथ तालाब बने थे जिसमें लोग अपने आप को कवर करके गसल किया करते थे और उसमें पानी देते थे और उसमें जो है ना नहाते थे और घर के अंदर चले जाते थे। तो सहल बिन हुनैफ जो कि बहुत खूबसूरत और जो है उनकी स्किन बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी, खूबसूरत इंसान थे, वो एक दफ़ा शर्ट उतार के अपनी सतर कवर करके नहा रहे थे, तो साथ से एक साहबी गुजरे आमिर बिन रबिया। तो आमिर बिन रबिया रदील्ला ताला अनहो ने जब उनको देखा तो उसकी उनकी जो स्किन कलर से और स्किन क्वालिटी से और उनकी जो फिज़िक से बहुत इम्प्रेस हुए, और कहते हैं कि मैंने आज तक इतनी खूबसूरत स्किन किसी की नहीं देखी, बल्कि फरमाया मैंने आज तक किसी कुंवारी औरत की भी स्किन इतनी खूबसूरत नहीं देखी, ये बोला। तो क्या हुआ कि ये बोले गुजर गए, और एट द सेम टाइम एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट सहल बिन हुनैफ जो है ना वो तड़पने शुरू हो गए, स्टार्टेड शिवरिंग एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड। लोग आए, लोग उठे, उनको उठाया और अल्लाह के मिस्रम के पास ले गए और कहा कि या रसूल सल्लम ये अपने सर को उठाने के काबिल नहीं है, ही कैन नॉट इवन लिफ्ट हिज ओन हेड। तो अल्लाह के मिस्रम ने पूछा कि तुम्हें किसी पे शक है? तो उन्होंने कहा जी सहल बिन हुनैफ गुजरे थे, उन्होंने तारीफ़ की थी, उन्होंने बुला के लाओ उसे। जब सहल बिन सॉरी आमिर बिन रबिया गुजरे थे, जब आमिर बिन रबिया को बुला के लाए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा वजू करो, वज़ू किया और उसके उनके पानी को एक बर्तन में जमा किया, मतलब उस पानी को उस बर्तन में गिराया और फिर वेस्ट के नीचे जो है वो उन्होंने पानी बहाया और उस पानी को भी जमा किया, और फिर सहल बिन हुनैफ के पिछली साइड पे, मुंह पे नहीं बल्कि पिछली साइड से, जो कि फिर अल्टीमेटली आगे भी आता है, लेकिन पिछली साइड से पानी बहाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर फरमाया कि तुम में से कोई शख्स क्यों चाहता है कि अपने भाई का कत्ल कर दे? जब भी तुम अपने भाई की किसी नेमत को देखो तो बरकत की दुआ किया करो, ये लक्ष्मी के अल्फाज दें। तुम्हें से क्यों कोई शख्स क्यों चाहते कि अपने भाई का कत्ल कर दे? और जब भी तुम अपने भाई की कोई नेमत देखो या बहन की कोई नेमत देखो तो उसके लिए बरकत की दुआ की, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तबारक अल्लाह फीक तबारक रहमान, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना वो दुआ किया करो ताकि अल्लाह ताला उसको नज़र बद और ईवल आय से बचा लें, ठीक है। तो बरकत की दुआ करना, अपने दिल को हसद से ख़त्म करना। देखिए ना, अब आमिर बिन रबिया ये सहाबी हैं और डेफिनेटली सहाबी के की दिल की नीयत बुरी तो नहीं हो सकती, लेकिन समहाउ उन्होंने प्रेज़ की लेकिन अल्लाह ताला का जिक्र नहीं किया। तो कभी कभी इंसान किसी को प्रेज़ करे, किसी को अच्छा जाने और अल्लाह ताला की तारीफ ना करे तभी नज़र लग जाती है, हत्ता कि माँ बाप की नज़र भी औलाद को लग जाती है। अगर वो औलाद जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत प्यारी लग रही है या बहुत तैयार होकर आई है और वो कह रहे हैं यार सच ए क्यूटी पाई यू आर यू नो क्यूट लिटिल बेबी या गुड्डू पपलू लग रहा है तो बड़ा फिट लग रहा है, और देखते हैं कि अगले ही लम्हे वो क्या होता है कि वो गिरता है और सर फट जाता है। बकरी दुआ करें, इंसान की नज़र कभी कभी अपने आप में लग जाती है कि इंसान अपने आप में ना बड़ा फ़ख्र कर रहा हो या बड़ा एक ना वो करो कि यार मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ, तो इंसान की नज़र अपने आप में लग जाती है। तो हमेशा अपने आप को भी देखें, औलाद को देखें, तो बरकत की दुआ या माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, ठीक है। रुकिया शरिया इज़ वन ऑफ द इलाज ऑफ नज़रबद एंड द प्रिकॉशन ऑफ नज़रबद, अपने आप पे कुरान की तिलावत, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए उसमें घर में शयातीन दाखिल नहीं होते, वज़ू की हालत में रहना। एक और बड़ा पॉइंट आजकल के दौर में स्पेशली सोशल मीडिया, अल्लाह ताला हम सबको सोशल मीडिया की नज़र से बचाए,
कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स ना करें, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की और फरमाया कि अपने कामों को एग्जीक्यूशन तक, मुकम्मल तकमील तक पहुँचाओ राज के ज़रिए। यह सही हदीस है कि अपने कामों को तकमील तक और एग्जीक्यूशन तक पहुँचाओ राज के ज़रिए, मतलब हर किसी को अपने कामों का ना बताओ। तो ढिंडोरा ना पीटो के यार मैं जो है ना इस साल हज पे जा रहा हूँ और मैं इस साल टर्की के विज़िट पे जा रहा हूँ, टूर पे जा रहा हूँ और मैं ये कर... नहीं, अपने करीबी लोगों को अपनी जो है ना सक्सेसेस का शेयर करो, या अपने प्लान्स करीबी लोगों को, अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, खाला फूफी, जो जो करीबी और सिंसियर लोग आपको लगते हैं उनसे शेयर करो इंशाल्लाह। और फेसबुक पे ना लगाओ, और या कि हर हम तो क्या करते हैं, हर खाने के साथ सेल्फ़ी, हर दफ़ा जब जहाज़ में बैठे हैं सेल्फ़ी, जहाज़ में खाना सर्व हुआ सेल्फ़ी, नई जैकेट ली सेल्फ़ी, नई कपड़े लिए सेल्फ़ी, नई जगह गए चेक इन किया, तो हर चीज़ लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना 90% 80% उनको प्राइवेट रखें, और कुछ कुछ चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बता भी दें तो सटल वे में अपने करीबी लोगों को इंशाल्लाह बताएं। ठीक है इंशाल्लाह। और बचने के लिए अपनी औलाद को प्रोटेक्शन की दुआ पढ़ें उन पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन पे ये दुआ पढ़ा करते थे, वईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन कुल्ली शैतानी व हामा व मिन कुल्ली आइनि लामा। मैं तुम दोनों को पनाह में देता हूँ अल्लाह ताला के मुकम्मल नामों की, मिन कुल्ली शैतानी व हामा, हर शैतान से और हर ईवल, हर जहरीले जानवर से, व मिन कुल्ली आइनि लामा, और हर नज़र बद से। तो अपने बच्चों पे, अपने ऊपर आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन कुल्ली शैतानी व हामा व मिन कुल्ली आइनि लामा, ये अपने ऊपर पढ़ें, और अपने बच्चों पे जो है ना ये उइदुकुमा बिकारी मतलब तामा वाली दुआ पढ़ें। ठीक है, जब भी उनको बाहर भेजें, जब भी उनको तैयार कराएं, पार्टी पे जा रहे हो, उन पे ये दुआ पढ़ें इंशाल्लाह, ताकि उनको नज़रें बद से वो बच जाएं। ठीक है, और एक और बुक है फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम, हिस्नुल मुस्लिम, ये बहुत कमाली किताब है, अल्लाह ताला ने इस किताब को बहुत मकबूल बख्शा और बड़ी फेमस किताब है, अब ऐसे अक्सर जानते भी होंगे उसको, ये परचेज़ कर लें, हर घर में होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी हिफाजत की दुआएँ हैं, वो इंशाल्लाह उसको पढ़ा करें। नाउ कमिंग टू द क्योर, जिसको नज़र लग जाए वो क्या करें। सबसे पहले अगर तो उसको पता है कि मुझे किसकी नज़र लगी है, तो वो उस शख्स का वज़ू और गुस्ल का पानी लेके जो है ना वो अपने पर बहा लें, अपने बैक साइड पर बहा लें, उसको नज़र जो है ना हो जाएगी। लेकिन 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 आजकल के दौर में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सोशल मीडिया का दौर है, हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, पता नहीं किसकी नज़र लगी है, क्या पता। तो फिर क्या करें, फिर रुकिया शरिया पढ़े अपने ऊपर, क़ुरान पढ़ लें। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरी टीम से कि वो जो कमेंट है आप पोस्ट भी कर दें रुकिया प्रोग्राम का, आप लोग भी मेरे ना कमेंट बॉक्स में एक पढ़ सकते हैं, मैंने एक पूरा रुकिया प्रोग्राम है, ये अब रुकिया हैं लंदन में, उनका बेसिकली सजेस्टेड है कि उसमें जो है ना वो एक लिंक भी दिया होगा जिसमें डिफरेंट जो है ना रुकियाज हैं, कि अगर नॉलेज की नज़र लगी है या ईविल आई लगी है या जिन का मामला है या आशिक जिन है, तो वो ना एक ही लिंक में ऑडियोज़ में डिफरेंट जो है ना वो उनके लिंक्स मौजूद हैं, और फिर ईवल आए नज़र बद का जो है ना एक प्रोग्राम और एक क्योर के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंशाल्लाह कर सकते हैं उसमें, वो इंशाल्लाह आपके कमेंट बॉक्स, जो मेरे कमेंट बॉक्स में से पिन हो जाएगा इंशाल्लाह, वो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो क्या करें कि अपने पर रुकिया पढ़ें, सबसे बेहतरीन रुकिया सूरह फलकनास, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा, तो ये अपने अपने ऊपर कसर से पढ़ें, फिर सुबह शाम के अज़कार को पढ़ के अपने पर दम करें, रुकिया पढ़ें। दूसरा बल्कि तीसरा हिजामा करवाएं, पहला कहता है गुस्ल का पानी लें, अगर नहीं पता तो रुकिया पढ़ें अपने ऊपर, तीसरा हिजामा करवाएं, हिजामा थेरेपी करवाएं। ठीक है, तो अच्छा हिजामा स्पेशलिस्ट ढूंढें और उनसे अपॉइंटमेंट लें और हिजामा करवाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हिजामा हर बीमारी का इलाज है, और आइडियली हिजामा हमें सुन्नत डेट्स में करवाना चाहिए, हर चांद की 17th, 19th and 21st तारीख को हमें हिजामा कराना चाहिए, किसी भी दिन करा सकते हैं वैसे तो कोई मसला और परेशानी हो, लेकिन आइडियली अगर वेट कर सकते हैं तो इन डेज पे कराएं, वेंसडे को हिजामा कराने से अवॉइड करना चाहिए, मंडे ट्यूसडे और थर्सडे के दिन भी सजेस्टेड हैं सुन्नत में इंशाल्लाह। ठीक है, तो कर सकते हैं। इसी तरह से मौजदन मैंने बता दिया, फिर अपने पे दुआ पढ़ें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन कुल्ली शैतानी वहामा व मिन कुल्ली आइनि लामा। ठीक है, इसी तरह से एक और दुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पे आके ये दम किया करते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ आइनिन हासिदिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु यशफीका। ठीक है, ये दुआ लाजमी याद कर लें, इसको तर्जुमे के साथ याद कर लें, और अगर अपने पे पढ़ें
بسم الله يرقيجي من كل شيء يؤذيجي من شر كل نفس او عين حاسد بسم الله يرقيجي والله يشفيجي. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے اوپر, تاکہ کو بھی نظر لگی ہے, ایون جنات جادو کا مسئلہ ہے تب بھی انشاءاللہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک بات آخری بات میں کروں, یہ بات یاد رکھیں کہ جو نظر ہے نا انسان حسد سے لگتی ہے, اور ایک مسلمان میں حسد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ جنت میں داخل تب تک نہیں ہوگے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ, اور تم لوگ ایمان والے تب تک نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو, اور تم لوگ آپس میں محبت نہیں کر سکتے جب تک سلام کو عام نہ کرو. سو افشو السلام بینکم, اپنے آپس میں سلام کو عام کرو. امیجن دس بیوٹیفل حدیث. اس کا ریلیشن ایگزیکٹلی حسد کی حدیث سے ہے, کہ جس میں فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جن دو بری کوالٹیز نے, بری عادات نے, حسد نے ڈسٹروائے کیے وہ کیا تھیں, الحسد والبغضاء, ایک حسد اور دوسرا جو ہے نا ہیٹریڈ, دشمنی. اور اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو چیزیں میں تمہارے اندر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور محبت اور ایمان اور سلام کو عام کرنا اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. تو ایک مسلمان اس زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان سے حسد کرے, کیونکہ جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا اس کا تقدیر پہ ایمان کبھی نہیں ہوتا, وہ تقدیر کو اتنے ڈینائی کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں دی, ڈیزرو تو میں کرتا تھا, آپ کی تقدیر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, دس از ناٹ رائٹ یا اللہ, آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ, آپ نے اس کو کیوں دی, آپ نے مجھے کیوں نہیں دی, حالانکہ میں ڈیزرو کرتا تھا. یہ حاصل جو ہے نا سمجھتا ہے, کاش یہ مجھے مل جاتی اس کو نہ ملتی, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کو دے دی, سبحان اللہ. ہم اس کے لیے بھی اضافے کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو تو مزید بھی دے اور مجھے بھی عطا کر. لیکن حسد سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے اور ایک بغض اور عداوت میں پڑ جاتا ہے جو کہ ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر کیا فرمائی, اور حدیث فرمائی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت پہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے کیا کرے, آتم و طعام واسل الارحام وصلوا باللیل وناس النیام افشو السلام تدخل الجنت بالسلام. اس کا بیسکلی متن کیا ہے, افشو السلام و آتم و طعام واسل الارحام وصلوا باللیل وناس النیام تدخل الجنت بالسلام. تم سلام کو عام کرو, مینڈ ٹائز آف کنشپ, اور رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, اور جو ہے نا اس ٹائم اٹھ کے تہجد پر جب لوگ سو رہے ہوں, واسل الارحام وصلوا باللیل وناس النیام, لوگوں کو کھانے کھلاؤ. اگر تم یہ چار کام کرو, تدخل الجنت بالسلام, تم سلامتی اور پیس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو اس میں دیکھیں آپ کہتے ہیں بڑی بڑی اعمال کو جوڑا ہے, تہجد کی نماز کو, صلہ رحمی کو جوڑا ہے افش السلام سے, سلام کو عام کرنے سے. کیونکہ جب انسان سلام کو عام کرتا ہے نا, اگر واقعی میں ہم سمجھیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہم کیا کہہ رہے ہیں, مے پیس بی آن یو اینڈ اللہ مرسی بی اپون یو و برکاتہ اینڈ مے ہز برکہ بی اپون یو. تو ہر وقت ایک مسلمان دوسرے کو دعا کر رہا ہے, تم پہ پیس ہو, تم پہ مرسی ہو, تم پہ رحمت ہو. تو جو شخص اتنی دعا کر رہا اور سمجھے کر رہا ہے, اس پہ حسد نہیں ہو سکتا. تو اس حسد کو اپنے دل سے باہر نکالیں اور اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ کریں کہ جو چیز مجھے مل کے رہنی ہے. ابن عباس کو کیا فرمایا اللہ کی میں نے جب ان کے پیچھے سواری بیٹھے ہوئے تھے, کہ بیٹا جان لو کہ پوری قومیں مل کے, پوری دنیا کی قومیں مل کے تمہیں کچھ دینا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں نہیں دے سکتے, تمہیں ہرٹ کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں سنبھالنا چاہے تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتے, اور تمہیں وہ پیس دینا چاہیں, سیکیورٹی دینا چاہیں, اور اگر رب نہ چاہے تو تمہیں وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے. رفع الاقلام و جفت الصحف, کہ قلموں کو, پینس کو اٹھا لیا گیا ہے, اینڈ دا انک از ڈرائی, اٹ ہیز بین ریٹن. اپنے رب سے مانگو, اپنے رب پہ ایمان لے کے آؤ. اور ایک بات یاد رکھیں, ایمان اور حسد کسی مسلمان کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا, یا اس کے دل میں حسد ہوگا یا اس کے دل میں ایمان ہوگا. حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیک اعمال کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے اور جلا دیتا ہے جس طرح ایک آگ سوکھے درخت کو جلا دیتی ہے اور ختم کر جاتی ہے نا, اسی طرح سے حسد ایک انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے, چاہے وہ حاجی صاحب کیوں نہ ہو, چاہے وہ صدقہ خیرات کیوں نہ کرتے ہوں, چاہے وہ سارا سارا دن قرآن کیوں نہ پڑھتے ہوں, چاہے وہ تہجد کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھ کے پڑھتے ہوں, لیکن ان کے دل میں حسد ہے. اور حسد کوئی عمل سے نہیں پتا چلتا کہ وہ شخص جو ہے نا ابھی حسد کر رہا ہے, نہیں, اٹ از من اعمال القلوب فرام دا ایکشنز آف ہارٹ.
ہو سکتا ہے انسان کچھ بھی نہ کر رہا ہو لیکن وہ حاسد ہو اور وہ حسد جو ہے نا اس کے تمام اعمال کو ضائع کر رہے ہو. تو میری ریکویسٹ ہے ہم سب سے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی بچائیں, ایول آئے سے پروٹیکشن حاصل کریں, بائے سورۃ فلق ناس, بائے صبح شام کے اذکار, قرآن تلاوت کر کے, وضو کی حالت میں رہ کے, نماز کو باقاعدگی سے پڑھ کے, اول وقت میں ادا کر کے, اور دوسروں کے لیے برکت کی دعا کریں, ماشاء اللہ قوت اللہ بلا بلا بارک اللہ لک پڑھیں, اور حسد کو اپنے دل سے نکال دیں, بالکل وہ کر دیں. اور دوسروں کے لیے جو شخص سمجھتے ہیں نا کہ میرے دل میں حسد ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, اور کنسسٹنٹ بیسس پہ دعا کرنا شروع کر دیں ہر نماز کے بعد. یا اللہ اس کو مزید عزت دے, اس کو مزید نعمتوں سے نواز, اس کو مزید جو ہے نا کامیابیاں دے, اور یا اللہ مجھے بھی دے. انشاءاللہ اس کے دل سے جو ہے نا وہ حسد ختم ہو جائے گا. ایز یو نو پرومسڈ میں نے بتایا تھا کہ آئی مینشن اباؤٹ ڈفرینس بٹوین جادو اینڈ نظر بد. ایک بات یاد رکھیں کہ جادو جو ہے وہ بریفلی مینشن کر دوں, اٹ نیڈس ڈیٹیلز لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جادو ٹیکس اے بٹ آف سم ٹائم, اے فیو ڈیز ٹو ہیپن. نظر بد جو ہے نا وہ امیجیٹ ہوتی ہے, یہاں نظر لگی وہاں بندہ گر گیا, یہاں کسی نے دیکھا اس کو اور وہاں بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک سکلڈ رائڈر کو, ایک شاہ سوار کو اپنے گھوڑے سے گرا دیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بی ایم ڈبلیو جا رہی ہے گاڑی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کمال کی گاڑی ہے یار, ایسی گاڑی خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھی. اینڈ یو ڈونٹ سے ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ اور بارک اللہ فیق بارک اللہ, اور اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک اسکلڈ رائڈر کو, اس میں اسکلز ہیں, ہی کین کنٹرول دا ہارس, لیکن نظر کی وجہ سے اس اسکلز کسی کام کے نہیں رہے اور وہ گر جاتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو امیجیٹ افیکٹ ہوتا ہے نظر کا, جادو ٹیکس ٹائم. دوسرا, جادو میں نارملی ڈریمز آتے ہیں, ایسے ڈریمز جس میں میرے پیچھے کالا سانپ پڑا ہوا ہے, کالا کتا ہے, بھینس ہے, اونٹ مجھے کھا رہا ہے, جو ہے نا وہ کوے دیکھنا, بولز دیکھنا, ایسی چیزیں دیکھنا جو مجھے تکلیف نقصان پہنچا رہی ہے. نظر میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا, عام طور پہ نظر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ پیل یلو ہو جاتا ہے, اس کے ہلکے پڑ جاتے ہیں, یا اس کو جو اسپاٹس آتے ہیں جو ہم نے جو ہے نا یہ دلائل ذکر کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے جو جتنے بھی سمٹمس ذکر کیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل ایشو النیسز کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمس آتے ہوں, لیکن بات یہ کہ جب میڈیکل النیس میں پروو نہیں ہو رہی اور جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس بالکل کلیئر ہیں اور پھر بھی ایسے ایشوز آئیں, تو یہ جو ہے نا یہ اٹ از ون آف دا سائنس آف ایول آئی اینڈ نظر بد. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں واقعتاً ہر قسم کی نظر سے اور ایول آئے سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے, ہمیں ہر قسم کی مشکل پریشانی سے نکالے. جو جو لوگ آج کل مشکل میں مصیبتوں میں انوالوڈ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں نے کچھ دن پہلے لیکچر دیا تھا کامیابی کے وظیفے, اس کو لازمی سنیں کیونکہ اس میں دیئر آر ڈفرینٹ وظیفے اینڈ ٹیکنیکس ٹو گیٹ آؤٹ آف پرابلمس. تقوی ان میں سے ایک ہے, کثرت سے توبہ استغفار کرنا اس میں سے ایک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ان میں سے ایک ہے, صدقہ دینا ان میں سے ایک ہے. تو ایون نظر لگ بھی چکی ہے, اذکار کر بھی رہے ہیں, لیکن پھر بھی مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا, تو اس لیکچر کو لازمی سنیں اور وہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ. وہ ایسے وظیفے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے پروون ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ان کو سجیسٹ بھی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مشکل پریشانی کو دور فرمائے, اور ان دا بیسٹ وے از اللہ کو راضی کر لیں. آپ یقین جانیں جب آپ اللہ کو راضی کریں گے, گناہوں سے توبہ کریں گے, تو پھر آپ کو لوگوں کے در در پہ جو ہے نا پھرنا نہیں پڑے گا, ٹکرے نہیں مارنی پڑیں گی, بلکہ اللہ آپ کے دل میں ایسی بات ڈال دیں گے جس میں علاج لکھا ہوگا. آپ کو حکیموں کے پاس, آپ کو ڈاکٹر کے پاس دوائیاں نہیں ملیں گی, اللہ آپ کے دل میں بات ڈال دیں گے, کوئی آپ کو گفٹ دے گا کوئی چیز, یا اپنے گھر میں کوئی چیز اگا لیں گے جس کو آپ کھائیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہر قسم کے جو ہے نا مسائل سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا نصیب کر دیں گے. صرف بات ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. اگر ہم اپنے آسان وقت میں اپنے رب کو راضی کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے مشکل وقت میں ہمیں جو ہے نا سنبھال لے گا اور ہمیں ہر مشکل سے نجات دے دے گا. سو لیٹ می ٹیک اے فیو آف یور کامنٹس, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. جی, کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان شاء اللہ, اینی کویشچن ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ سے در نیاب, شی آلویز ٹیکس نوٹس اینڈ شیئر ود پیپل. میں نے اس کو پن بھی کر دیا کامنٹ کو.
اوكي جي، جزاك الله خير. ओके जी, आपके आपस में कमेंट्स कुछ चल रहे होते हैं, गप्पे शप्पे लग रही होती हैं माशाल्लाह। सर क्या किसी के की प्यार से भी नज़र लगती है, मतलब किसी को अच्छी लगना और फिर उसकी नज़र लग जाए? जी मैंने इसे बताया, माँ बाप की नज़र प्यार से लगती होती है नॉर्मली। जो सहाबी थे आमिर बिन रबिया, उनकी जो नज़र लगी वो जेलसी की वजह से नहीं थी, वो हसद की वजह से नहीं थी, बल्कि इट वॉज़ आउट ऑफ प्योर इग्नोरेंस। उन्होंने बस दुआ, उनको दुआ नहीं दी और उनकी तारीफ़ कर दी। ठीक है, तो इंसान ना किसी को मतलब किसी की खूबसूरती देखे या कोई अच्छी चीज़ देखे और अल्लाह का जिक्र ना करे तब भी नज़र लग जाती होती है। और क्योंकि हर इंसान में ना कोई ना कोई कमियाँ कोताहियाँ होती हैं। ठीक है, तो कभी कभी जिन्नात और शयातीन किसी पर अटैक करने के लिए किसी इंसान के मुँह से कलिमात बुलवाते हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो, और उस बंदे पर अटैक करते हैं। इवन जिन्नात भी नज़र लगाते हैं। ठीक है, तो इस उनसे बचने के लिए कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, और वॉशरूम में जाते वक्त क्या पढ़ा जाए? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, कि अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ मेल जन्नात से, बुरे शर पसंद जिनों से, और फीमेल ईविल जिन्स से भी पनाह में आता हूँ इंशाल्लाह। यस अजहर ठाकुर पूछ रहे हैं, कैन आई शेयर हाईलाइट पार्ट ऑफ योर लेक्चर ऑन यूट्यूब? यस यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स बॉक्स इंशाल्लाह, आई विल पिन इट ताकि लोग इसे फ़ायदा उठा सकें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को नज़र बद से बचाए, जो जो लोग दुआ के कह रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को जो है नज़र बद से बचाए, उनके घर वालों को नज़र बद से बचाए। और उम्मीद है मुजम्मिल ने टैग कर दिया होगा, जो कमेंट कर दिया होगा अबाउट द सोल्यूशन ऑफ ईवल आई, इंशाल्लाह आप वो देख सकते हैं। Whenever Rukia is being performed on someone I know, it is as if someone is throwing spices in reciter's mouth. ये क्या था? Definitely जिस पर Rukia पढ़ा जा रहा होता है उसको जादू होता है, नज़रें बंद होती है, उसको वो uncomfortable तो फील करता है, लेकिन ये जंग है जिसको जिसको लड़ना पड़ता है। तबारक अल्लाह उन्होंने कह रहे हैं कि इज़ नॉट दुआ, तबारक अल्लाह इज़ अल्लाह प्रेज़, अल्लाह ताला की हमद सना है। तो इससे मैंने मेंशन किया कि अल्लाह की आप हमद सना बयान कर सकते हैं, जैसे माशाल्लाह अल्लाह कुव्वत है अल्लाह बिल्ला। ठीक है, ये भी अल्लाह ताला की हमद सना है। सूरह काफ़ में इसके बारे में आता है कि अगर तुम ये पढ़ लेते तो तुम्हारा जो गार्डन था वो डिस्ट्रॉय ना होता। तबारक अल्लाह भी जो है ना वो पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला की प्रेज़ है। बारक अल्लाह फ़ीक या बारक अल्लाह लक, ये दुआ पढ़ सकते हैं, ये बरकत की दुआ है। ब्रदर टेल मी अबाउट हिजामा, हिजामा बेसिकली कपिंग थेरेपी को बोलते हैं, यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, आपको चला आ जाएगा। अल्लाह के वसल्लम के बारे के इस बारे में बहुत सारी अहादीस हैं और ऑथेंटिक अहादीस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी एक्सपर्ट से हिजामा करा सकते हैं आप, और इसमें बहुत सारे बीमारी को, इसमें स्पिरिचुअल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल तमाम बीमारियों की शिफा है इंशाल्लाह इसमें। फॉर रिस्क एंड प्रोटेक्शन वजीफ़ा प्लीज़ यू लिसन टू दैट लेक्चर, जो कि मैंने आपको बताया है, वो वजीफ़ों वाला कामयाबी के वजीफे इंशाल्लाह, उसमें आपको जो है ना वो बहुत कुछ मिल जाएगा। जी मिसकैरेज, नज़र बद या ब्लैक मैजिक से हो सकता है, ब्लैक मैजिक से, नज़र बद से बिल्कुल हो सकता है, और इसको बचने के लिए वही बात है कि सूरह फलक नास पढ़ें और सूरह बकरा की तिलावत करें और अपने आप को वजू की हालत में रखें, गुनाहों से बचें, अपने घर में म्यूज़िक से बचें, अपने घर में पिक्चर्स से बचें, अपने घर में हर किस्म की अल्लाह के दीन की नाफरमानी से बचें, और इन चीज़ों का अहतमाम करें, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। जब अल्लाह की जो है ना मदद साथ होगी तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बुक नेम रिपीट कर दें फॉर हिफाजत की दुआ। बुक नेम जो मैंने बताई वो हिस्नुल मुस्लिम है, हा स्वाद नून मीम सीन ला मीम, हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम इसका मतलब है, एक मोमिन का किला। सर लाहौर में होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में आएँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोविड के हालात बेहतर हैं, तो जहाँ जहाँ इंशाल्लाह हमें इनविटेशंस आ रही हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में, जिन जगहों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पाकिस्तान में
जा रहे हैं इंशाल्लाह. तो आई बी ट्रेवलिंग टू लाहौर एंड सालकोट एंड साहिबाल इंशाल्लाह वेरी सून एंड कराची भी इंशाल्लाह. भाई दूसरों की नज़र कैसे रोकें? कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप अपनी प्रोटेक्शन, तो अगर आपकी अपनी प्रोटेक्शन पूरी है ना तो आपको दूसरों की नज़र नहीं लगेगी. आपने सूरह फलक नास पढ़ी हुई है, आपने सुबह शाम के अज़कार पढ़े हुए हैं, और अगर कोई जो है ना आप पे आपकी तारीफ़ कर रहा है और आप कह सकते हैं कि बरकत की दुआ कर दें, फज में गुड्डू पबलू की जा करके अल्लाह ताला इसको बरकत दे, आप ही बरकत की दुआ कर दें इंशाल्लाह इसके लिए माशाल्लाह. आप उससे माशाल्लाह पढ़ दें, कोई आपकी दुआ करे कि आप अल्लाह का जिक्र कर दें और आप माशाल्लाह अल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कर दें और कहें मुझे बरकत की दुआ दे दें आप इंशाल्लाह. तो प्यार मोहब्बत से आप कह सकते हैं कि मुझे आप बरकत की दुआ दे दें इंशाल्लाह, इससे बहुत फ़ायदा होगा. डज अ तावीज़ कीप्स यू सेफ फ्रॉम ईविल आई? नॉट एट ऑल. तावीज़ जो है ना ये ना सहाबा ने पहना, ना अल्लाह के नबी ने पहना, ना हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को अल्लाह के नबी ने तावीज़ लेके दिया. ये तावीज़ का जो कल्चर है ना ये बहुत बुरा कल्चर है, इसे बचें, इसे बिल्कुल बचें. और तो इसमें कुछ जो है ना लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि द ऑथेंटिक एंड द मोस्ट बेटर ओपिनियन इज़ के इससे बचें और अपने आप को हिफाजत की दुआएँ पढ़ें. ये शॉर्टकट है तावीज़, इससे जो है ना कुछ नहीं होता. अपने ऊपर देखिए ना, जमजम में शिफा है, ठीक है, शहद में शिफा है, कुरान में शिफा है. तो कोई शख्स अगर जमजम लटका के एक बॉटल में फिर रहा हो, आप कहें भाई ये क्या कर रहे हो कि यार जमजम में शिफा है भाई, तुम्हें नहीं पता अल्लाह के भी की हदीस है. तो भाई वो कहोगे यार पीने में शिफा है मेरे भाई, लटकाने में शिफा नहीं है. कोई शहद की बॉटल लटका के फिर रहा हो और कहोगे इसमें शिफा है, मैंने इसलिए लटकाई हुई है, भाई इसको पीने में शिफा है. कुरान में जो लटका के फिर रहा है तावीज़ पहना, वो उसको कहा जाए यार पढ़ने में शिफा है कुरान के, कुरान को पढ़ने में, उसे अमल करने में शिफा है, लटका के फिरने में शिफा नहीं है. बल्कि ये तो बेअदबी है कि तुम कभी मुंह से कुछ गलत बोल दो, वॉशरूम एंटर हो जाओ, कुछ कर लो गलती से और हराम कमाई कर लो, झूठ बोल दो, कुरान तुम्हारे सीन लटका हुआ है और तुम ऐसे काम कर रहे हो किसी की कमर, और मतलब बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं. तो कुरान लटकाना कहीं साबित नहीं है हमारे दीन में. कुरान पढ़ना और सूरह बकरा की तिलावत करना, सूरह फलक नास का दम करना अपने पर साबित है जी. तो इसको ना तवीज़ ना लटकाएं. एक और जिसमें आता है कि जिसने तवीज़ लटकाया उसने शिरक कमिट किया, लेकिन हर तवीज़ भी शिरक नहीं है, बिदत है. लेकिन शिरक में जिसमें शिरकिया कलिमात हों, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है 99.9% ऑफ द तवीज़ आजकल के दौर में शिरकिया और कुफ्रिया होते हैं. उनको आप खोल के देखें, उनमें शैतान कारून हामान का नाम होते हैं, उनमें आदाद हरूफ लिखे होते हैं जिससे लोगों में जादू किया जाता है. जान लें कि आदाद और हरूफ हमारे दीन का हिस्सा नहीं है. 786 बिस्मिल्लाह नहीं है. 786 एक मुझे शेख बता रहे थे, हरे कृष्णा हरे राम का आदद है. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो लोगों को खतूत लिख के भेजे उन पे 786 नहीं लिखा, हालांकि उनको पता भी था कि कुछ जो है ना कुफार जो मुलूक थे किंग्स थे वो उनके उनको पेपर को फाड़ के फेंकेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी उस पर 786 नहीं लिखा और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा. तो हम क्यों 786 लिख रहे हैं? लोग आजकल 786 के नंबर्स के लिए और नंबर प्लेट्स के लिए कितने लाखों दिए फिरते हैं कि ये बिस्मिल्लाह है, ये बिस्मिल्लाह बिल्कुल नहीं है. इससे बचें. और ये जो है ना आदात का जो इल्म है, दिस इज़ वन ऑफ द उलूम जिसे जादू किया जाता है. तो इस इल्म से बचें और इन खुराफात से बचें. ये मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया दीन से बचें. दीन वही है जो मोहम्मद सल्लम लेके आए, और उसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता. मैंने अपने जिन्स एंड ब्लैक मैजिक के लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है. जी, जो लोग मीडिया पे हैं, जो गुनाहगार लोग हैं, उनको भी नज़र लगती होती है. लेकिन क्या होता है कि मुझे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं हमारी मीडिया ने कब ख़त्म करेंगे हमारी जान छोड़ें इंशाल्लाह. चले बस ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह ऐसे कि सॉरी माइक. अच्छा, वो ये है कि उनको भी नज़र लगती होती है. ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को नज़र लगती है, हर इंसान को नज़र लगती है. बस ये है कि जो इंसान मीडिया पे आता है उसको हमें वो शो नहीं कर रहा होता, वो मेकअप्स करके आया होता है या वो फिर अपने बेस्ट मोड में आए होते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब भी होती है अक्सर लोगों की जिनको नज़र लगी होती है. एंड व्हेन दे आर अलोन, दे आर डिप्रेस, दे आर सैड, तो आप ऑफ स्टेज देखें तो बहुत सारे आपको राज फाश होंगे इंशाल्लाह. स्टोन कैन बी क्योर ऑफ इवल आई, आप इस बात को जान लें. कोई ऐसा स्टोन जिसमें आँख बनी हुई है, ब्लू स्टोन, कोई ऐसा टिक्का, कोई ऐसा इमाम जामिन, कोई चीज़, कोई झाड़ू. लोग क्या करते हैं, झाड़ू को ऐसे करके झाड़ू को फेंकते हैं कि जो है ना आपको नज़र बच जाएगी. सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी बातें हमारे दीन में नहीं है. कोई भी जो है ना वो काला टिक्का लगा दिया जी,
کہ نظر اللہ تمہیں نظر سے بچائے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا وہی ہمارے لیے کافی ہے. واٹ وی ڈو از کہ ہمارا جو فیتھ اور توکل ہے وہ اس ٹکے پہ آ جاتا ہے، اس تعویذ پہ آ جاتا ہے، اس دھاگے پہ آ جاتا ہے جو ہم نے ہاتھ میں پہنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بچائے گا. اور جب ہم اس کو اتارتے ہیں، ایسے اتار کے پھینکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وی فیل انسیف کہ اب مجھے نظر لگ سکتی ہے، میرا توکل اس پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. حالانکہ دس کو ناٹ سیو یو فرام اینی تھنگ، اللہ کے ساتھ مجھے بچانے والی ہے. تو قرآن پڑھیں اور دعائیں کریں اور کثرت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کو راضی کریں. جو اللہ کے امین نے مسنون دعائیں بتائی ہیں وہی ہمیں ہر شر سے بچا سکتی ہیں. باقی کوئی کسی قسم اسٹون، کسی قسم کا جو ہے نا میٹل، کسی قسم کا دھاگا، کسی بھی دربار کا دھاگا، کسی بھی جگہ کا جو ہے نا وہ کسی بھی بڑے سے بڑے پیر کا دھاگا یا کڑا آپ کو نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت دعائیں ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں وہی نظر بد سے بچائیں گی. قرآن ہی نظر بد سے بچائے گا، باقی میڈ ان پاکستان انڈیا جو دین ہے یہ ہمیں نہیں بچا سکتا. شادی کی رکاوٹ نظر جادو بتاؤں کہ کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کسی کی شادی ختم کروانی ہے آپ نے؟ ان کے پاس ایسے بابوں کے پاس نہ جائیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا جو ہے نا شادی سے جو ہے نا وہ آپ ان کے کسی رشتہ ختم کرانا ہو، یا ادھر تو چپل سے بھی کرتے ہیں پرانے لوگ. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لوگ کرتے ہیں چپل سے، جھاڑو سے، تنکا لگا کے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، اور وہ نہیں بچ پاتے. یقین جانے وہ نہیں بچ پاتے، ان کو نظر لگتی ہے، بیکاز یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن و سنت پہ عمل کرے گا اسی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا دیں گے. جو لوگ آج فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں، جزاک اللہ فار جوائننگ، آئی ویلکم یو آل. ہمارا جو لیکچر ہے یہ ہر وینسڈے کو فرام 9:30 to 10:30 ہوتا ہے، اور وی کم اپ اے ڈفرینٹ ٹاپک ایوری ویک انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر ایوری ون، سی یو نیکسٹ وینسڈے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، فقلت ما قلت، ان تكو حسنة فمن الله، وان تكو سيئة فمن نفسك والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.